हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पहले एक प्रोसीजर का वीडियो बनाया था मेडिकल से रिलेटेड। आज एक और वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो जो है नेबुलाइजेशन की वीडियो है। नेबुलाइजेशन आप लोग को जानते होंगे, लंग्स से रिलेटेड बीमारियों के लिए, जैसे कि आस्थमा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसे बीमारियों के लिए हम दिया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी प्रोसीजर शुरू करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम है पेशेंट को हमें इन्फॉर्म करना है, हमें बताना है कि आप क्या प्रोसीजर उनके साथ करने जा रहे हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका नेबुलाइज करने का टाइम हो गया, क्या मैं आपको नेबुलाइजेशन दे दूं? ये होता क्या है सर? ये इसके लिए देते हैं कि जो आपको, देखो अभी थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है और चेस्ट कंजेशन वगैरह हो रहा है ना। हाँ, तो उसके लिए डॉक्टर ने ये लिखा है कि ये नेबुलाइजेशन देने के लिए। ये एक लिक्विड टाइप की मेडिसिन है, वो आप इसी मशीन के साथ भाप के रूप में बदल के आपको देंगे। तो आपको क्या है कि अच्छे अच्छे ब्रीथ लेना है जब ये लगाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका लंग्स वगैरह क्लियर होने में, जो आपका कंजेशन है वो सब ठीक होने में आपको मदद करेंगे। एकदम से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होंगे आपको, बल्कि आपको और अच्छा सा ब्रीथ वगैरह कर पाएंगे और जो अभी आपका जो इन्फेक्शन है लंग्स से रिलेटेड, वो थोड़ा सा और कम हो जाएंगे, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, कर लो। तो हमें इस तरीके से हमें पेशेंट को समझाना है कि आप क्या प्रोसीजर करने जा रहे हो। समझाने के बाद हमें सेकंड जो काम है, हमारी आर्टिकल्स को हमें इकट्ठा करना है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे आर्टिकल्स रखा हुआ है। तो मेन हमें नेबुलाइजर का एक मशीन चाहिए, तो ये है नेबुलाइजेशन का मशीन। और इस मशीन के साथ हमें कुछ किट में सामान मिलता है। एक ये है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग ट्यूब। कनेक्टिंग ट्यूब का दोनों जो साइड होते हैं, तो दोनों साइड बराबर है, आप कोई भी मशीन में लगा सकते हैं और कोई भी दूसरी साइड आप इसकी दूसरी एंड में हम मेडिसिन चैम्बर के नीचे कनेक्ट करेगा। तो ये है मेडिसिन चैम्बर, जिसके अंदर हम दवाई को डालेगा, मेडिसिन को। आप इसको खोल के यहां से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बंद करके ऊपर से भी हम मेडिसिन डाल सकते हैं। मेडिसिन भी हमने रखा हुआ है, ये हमारे पास अभी मेडिसिन है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम में मेडिसिन आता है, जैसे कि अस्थालीन, बुडाको, ड्यूओलिन, ऐसे कोई भी नाम में हो सकता है। वो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा हमें वही मेडिसिन पेशेंट को देना है। उसके अलावा हमारे पास है, हमें चाहिए एक फेस मास्क हमें अपना सेफ्टी के लिए यूज करने के लिए, और एक्सामिनेशन ग्लव्स रखा है हाथ में पहनने के लिए, और एक स्मॉल टवल हमने रखा हुआ है पेशेंट की चेस्ट पे बिछा के रखेंगे, और थोड़ा सा कॉटन हमने रखा है, अगर इन केस ये इसमें स्वेट हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन वगैरह करने के लिए हमने ये रखा हुआ है। उसके अलावा ये सारे सामान हमने एक बिग ट्रे के अंदर अरेंज किया है, और एक स्प्यूटम मग, इसको हम स्प्यूटम मग कहते हैं, इसके अंदर एक टिश्यू पेपर लगा के मैंने रेडी करके रखा है। स्प्यूटम मग इसके लिए है कि जब अगर पेशेंट को नेबुलाइज देते समय उनका जो कंजेशन वगैरह, अंदर कफ वगैरह है, सेक्रेशन है, तो वो लूज होने के चांसेस होता है, तो अगर लूज होगा तो वो बाहर भी निकलता है, तो हमें इनको खांसी करके उसको थूकने के लिए हम स्प्यूटम मग का इस्तेमाल करेंगे। तो यही है हमारे आर्टिकल्स। तो सारे आर्टिकल्स एक बार अरेंज करके रखने के बाद हमें करना है हैंड वॉश। तो हमारे जो प्रोसीजर है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश हमें करना है। हैंड वॉश एक बार होगा, उसके बाद हमें पेशेंट को देना है पोजीशन। तो पोजीशन कंफर्ट, सबसे कंफर्ट पोजीशन जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का जो पोजीशन है उसको हम सेमी पाउडर पोजीशन कहते हैं। अभी 45 नहीं है, हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है, ठीक है। तो यहां से ये मैनुअल बेड है, तो हम इसको 45 डिग्री पे उठाएंगे। सर आपको कंफर्ट लग रहा है? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देना है। पोजीशन देने के बाद सबसे पहले हम मास्क को पहनेंगे। अगर आप कोई भी प्रोसीजर है जिसमें आपको मास्क और ग्लव्स पहनना होता है, तो हम सबसे पहले पहनेगा मास्क। तो मास्क पहनते समय यहाँ पे एक रॉड है ऊपर, जो रॉड वाला साइड है वो आपको नाक के बराबर ऐसे रखना है और इसको लगाना है। लगाने के बाद आपको ये जो है चिन की भास, इसको नीचे दबाना है और इसको हाथ से पकड़ के दोनों से ऐसे दबा के रखना है, ताकि ये बिल्कुल ही फिट रहे। मास्क लगाने के बाद आपको ग्लव्स पहनना है, जो हमने एग्जामिनेशन ग्लव्स रखा हुआ है। तो इसमें कोई राइट लेफ्ट का फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको देखना है थंब नेल कौन सा। तो ये थंब नेल है जो थोड़ा सा मोटा सा और लेंथ में कम है, तो वो आपको उस तरीके से पहनना है। एक बार आप ग्लव्स पहनेगा, एक हाथ में पहनने के बाद आपको दूसरी हाथ में भी पहनना है। हमने ग्लव्स पहन लिया। ग्लव्स पहनने के बाद
हमें जो स्मॉल टॉवल हमने रखा हुआ है वो हमें पेशेंट की चेस्ट के ऊपर बिछा के रखना है। उसके बाद जो कनेक्टिंग ट्यूब है, कनेक्टिंग ट्यूब को एक साइड को हमें मशीन की जहां पे ये कनेक्ट होगा वहां देखना है कौन सी जगह, इसमें एक पावर की स्विच है ऑन ऑफ की, ये देखना, और यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमने एक साइड इसमें कनेक्ट कर लिया, और जो दूसरी साइड है हमारा, ये हम मेडिसिन चैम्बर जिसमें हम मेडिसिन डालेगा उसके नीचे कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो गया, और उसके बाद जो मेडिसिन है ये रखा है, और ये जो मास्क है इसका, तो मास्क इसकी चैम्बर के ऊपर हम फेस मास्क रखेंगे। फेस मास्क में अगर आपको गीला कुछ लग रहा है तो आप उसको एक बार कॉटन से अच्छी तरह से साफ करेंगे। साफ करने के बाद आप मेडिसिन चैम्बर को यहां से खुलेगा, और जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में उसमें देखना कितना ml, ये 2 ml की है, तो जितना डोज डॉक्टर ने लिखा हुआ है उतने डोज को आप इसको यहां से खोल के इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आप इसको ठीक से बंद करेंगे। एक बार बंद हो गया अच्छा सा, फिर आप इसको आगे से ये 2 उंगली उठा के, ये जो इलास्टिक है, इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ के पेशेंट की नाक और मुंह बंद होगा उस तरीके से आप रखेंगे। ये दोनों ध्यान रखना, ये जो इलास्टिक है वो कान की ऊपर से होना चाहिए। अगर लग रहा है थोड़ा सा ढीला है ये, तो आप एक साइड से उसको पकड़ के खींच के इनको टाइट भी कर सकते हैं। अब ये टाइट है, ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद हमें मशीन को ऑन करना है। मशीन को ऑन करते समय यहां से आपको दिखेगा बाप शुरू होंगे, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, तो आपको कम से कम 5 या 10 मिनट तक टाइम लगेगा इसको खत्म होने में। तो पेशेंट से हमें इस समय बोलना है कि आप थोड़ा सा लंबे लंबे श्वास लेने के लिए, सर आप थोड़ा सा लंबे डीप ब्रीथ लेते रहना, ठीक है, उससे आपको ज्यादा लंग्स के अंदर वो जाएंगे दवाई। तो इस तरीके से हम उनको मेडिसिन देंगे। जब मेडिसिन खत्म होगा तो आपको यहाँ पे मेडिसिन चैम्बर में दिखाई देंगे जो एक फॉर्म टाइप में बनते हैं, वो फॉर्म खत्म होगा। तो जैसे खत्म होगा मेडिसिन तो हमें इसको ऑफ करके इनको निकाल सकते हैं। इनकेस आपको बीच में पेशेंट को अगर खांसी वगैरह कुछ आता है तो तभी भी आपको क्या करना है, तुरंत मशीन को ऑफ करना है, और ये जो मास्क है मास्क को हटाना है, हटा के रखना है, और पेशेंट को अगर बेलगम वगैरह कुछ आता है तो थोड़ा बिठा के रखना है पेशेंट को, उसके बाद बोलना कि इस पे थूक दो, ऐसे आप थुका सकते हैं, ठीक है। और अगर लग रहा है कि पेशेंट को खांसी आ रहा है, बेलगम है, बट वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आप पेशेंट के पीछे यहाँ पे थोड़ा सा आप टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग करने का तरीका ये है, आपको हाथ को ऐसे रखे, तो ऐसे टैप करने से पेशेंट का जो बेलगम है लंग्स में वो थोड़ा सा लूज हो जाएंगे और बाहर आने में आपको मदद करेंगे। उसके बाद आप उसको दोबारा कनेक्ट करके जो मेडिसिन बचा हुआ है वो दे सकते हैं। एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद, प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद, आपको टॉवल जो है इस तरीके से आपको उसको फोल्ड करना है, और पेशेंट के फेस में शायद स्वेटिंग वगैरह है तो आप इससे इसको अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद जो भी हमारा सामान है ये सारे सामान को हमें वापस करना है। तो वापस करने में हमें ये मशीन से निकालना है, ये यहां से भी निकालना है। ये कनेक्टिंग ट्यूब जो है उसको हमें अंदर से क्लीन करने की जरूरत नहीं है, बाहर से आपको चाहिए तो साफ कर सकते हैं, बट ये जो चैम्बर और ये मास्क है उसको हमें लेके जाके रनिंग वाटर में अच्छी तरह से क्लीन करके रखना है। जब आप रनिंग वाटर में क्लीन करेगा हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर एक फ्लावर है, फ्लावर कहते हैं इसको, ये हमेशा ध्यान रखना ये गिरे ना कहीं, ना ये गायब हो जाए, क्योंकि ये फ्लावर के बिना इसमें जो भाप बनने का जो प्रोसेस है वो होगा नहीं। तो साफ करके इसको इसके अंदर ही रख के उसको रखना, बाकी इसको मशीन वगैरह सब कुछ वापस करना है। एक बार वापस करने के बाद आपको जो ग्लव्स हाथ में है उसको उतारना है। ग्लव्स आप बाहर से पहले पकड़ोगे और उसको उतार देगा, उसके बाद इसको इस हाथ के अंदर पकड़ेंगे और अंदर से हाथ डाल के इसको उल्टा करके निकाल देंगे, ये हम डस्टबिन में फेंक देंगे। एक बार डस्टबिन में फेंकने के बाद आपको दोबारा क्या करना है, हैंड वॉश करना है। आफ्टर और बिफोर प्रोसीजर हमें हैंड वॉश करना है, तो दोबारा आप रनिंग वाटर में अच्छे से हैंड वॉश करोगे। हैंड वॉश करके आने के बाद जो मास्क हमने लगाया हुआ है, पहना हुआ है, उसको हम पीछे साइड से इसको इस तरीके से निकाल के इसको भी हम सीधा डस्टबिन में फेंक देंगे।
तो ये प्रोसीजर हमारा हो गई। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो पेशेंट को, पेशेंट का जो पोजीशन है, ये जरूरी नहीं है कि हमें इसको नीचे लेटाना है, आप ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें सारे प्रोसीजर करने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन आप वेरी सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, एक टाइम का एक कॉलम बना लो, एक एक्टिविटी का और रिमार्क्स का। टाइम के कॉलम है जिस टाइम हमने पेशेंट को नेबुलाइजेशन दिया, अभी टाइम है 2:30 बजे, तो आप 2:30 बजे लिखेंगे टाइम पे, और एक्टिविटी में आप लिखेंगे नेबुलाइजेशन, और रिमार्क्स में आप कौन सा मेडिसिन पेशेंट को दिया, कितना ml दिया वो लिख सकते हैं। अब मैंने बुडाकोट दिया था 2 ml, तो मैंने बुडाकोट 2 ml लिखेंगे। और अगर पेशेंट को कुछ खांसी आया, सेक्रेशन या बेलगम कुछ निकला, तो वो आप उसमें नोट कर सकते हैं, या बेलगम में कुछ कलर चेंजेस है, कुछ भी हो, ब्लड के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये सारे आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये है हमारी पूरी नेबुलाइजेशन देने का जो प्रोसीजर। तो मेरा ये प्रोसीजर का वीडियो पसंद हो गया होगा, तो अगर आपको पसंद हो गया तो मेरे साथ ही लगातार वीडियोस देखते रहना, हम और भी बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। ये वीडियोस स्पेशली नर्सेस के लिए और जीडीए का स्टूडेंट्स के लिए, जीडीए मतलब जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का, जो नर्सेस के नीचे उनको, नर्सेस को हेल्प करने के लिए जो स्टाफ होता है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और भी मैंने एक एक प्रोसीजर का वीडियोस बनाते रहेंगे, तो मेरे साथ रहना और बोलना मत, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना या मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और अपने ग्रुप्स में भेजना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।